हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग हमारा लेक्चर 5 कवर करेंगे हमारे 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग कोर्स का। सो हमने लास्ट वीडियो में परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ाई की, परसेप्ट्रॉन क्या होता है, उसके न्यूरॉन के साथ क्या डिफरेंसेस हैं और उसमें प्रिडिक्शन कैसे होता है, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर नहीं किया कि परसेप्ट्रॉन के जो वेट्स और बायसेस होते हैं उनको ट्रेन कैसे किया जाता है, उनके वैल्यू को कैसे खोजा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग वही कवर करेंगे। आज के वीडियो में हमारा गोल वुड बी टू लर्न हाउ टू ट्रेन अ परसेप्ट्रॉन, ठीक है। और जो तरीका हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम है परसेप्ट्रॉन ट्रिक, ठीक है। सो जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, बट उस बेस्ट तरीके को सीखने के पहले आपको एक जुगाड़ू तरीका आना चाहिए और उसी जुगाड़ू तरीके का नाम है परसेप्ट्रॉन ट्रिक, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एलिगेंट है। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें करके दिखाऊंगा। सबसे पहले एक मैथमेटिकल इंट्यूशन डेवलप करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट में मैंने आपके लिए एक एनिमेशन भी बनाया है जिससे आपको पूरी चीज़ कैसी हो रही है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाई देगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि परसेप्ट्रॉन ट्रिक क्या है और कैसे काम करता है। अगेन लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, हमारे पास एक्स एक्सिस पे सीजीपीए है और वाई एक्सिस पे आईक्यू है, और ये जो कलर है ब्लू एंड ग्रीन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बच्चों का प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। ग्रीन वाले बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, ब्लू वाले बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब हमें एक मॉडल बनाना है जो किसी भी नए बच्चे का सीजीपी और आईक्यू लेकर के प्रिडिक्ट कर पाए कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब सोच के देखो गाइस, मतलब अगर आपको ये डेटा सेट दिया जाता और आपको बोला जाता है कि आपको एक मॉडल बनाना है, तो आप कैसे बनाते? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो आप लेते वो ये होता कि ये डेटा लीनियरली सेपरेबल है, मतलब आप एक लाइन ड्रॉ करके इस डेटा को क्लासीफाई कर सकते हो इंटू टू क्लासेस, राइट। मतलब मुझे बस ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ने के टाइम, यहाँ पे आप जो लाइन का इक्वेशन लेते हो वो ये फॉर्म में नहीं होता, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है। आप कभी भी ये वाला इक्वेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज नहीं करते, ये आप यूज करते हो लीनियर रिग्रेशन में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप जनरल फॉर्म यूज करते हो, इनफैक्ट आप इसको और अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हो, ए एक्स वन जहां पे सी जी पी ए इज एक्स वन प्लस बी एक्स टू जहां पे आई क्यू इज एक्स टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सी क्या है? सी इज योर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। नाउ अगर ये 3D में होता तो ये इक्वेशन चेंज हो जाता, मतलब एक एक्स्ट्रा कॉलम अगर होता, मान लो 10th के मार्क्स कितने हैं, तो आप इसको ऐसे लिखते, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री प्लस डी इक्वल टू जीरो, और आपको समझ में आ रहा है कि और हायर डायमेंशन में आप इस तरीके से टर्म्स ऐड करते चले जाते, ठीक है। तो एनीवेज मुझे क्या करना है कि मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ये डेटा लीनियरली सेपरेबल है, मतलब मुझे एक लाइन खोजनी है जो इस डेटा को काट पाए, प्रॉपरली क्लासीफाई करवा पाए दोनों लेबल्स को। और अगर मुझे लाइन खोजनी है, इसका मतलब मुझे ए बी और सी का वैल्यू खोजना है। सो मेरा एंड ऑब्जेक्टिव इज ए बी और सी का ऐसा वैल्यू खोजना जिससे आप इस डेटा में जो दो क्लासेस हैं उनको परफेक्टली क्लासिफाई कर पाओ, दैट्स माय ऑब्जेक्टिव इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि परसेप्ट्रॉन ट्रिक ये काम कैसे करता है। सो परसेप्ट्रॉन ट्रिक बहुत ही सिंपल आइडिया है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ, आपको इसकी सिंप्लिसिटी पे हंसी आएगी कि कितना सिंपली किसी ने सोच के एक सोल्यूशन निकाल लिया। सो सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आप क्या करते हो, आप ए बी और सी की रैंडम वैल्यूज से स्टार्ट करते हो, ए वन बी वन सी इक्वल टू जीरो, आप रैंडम वैल्यूज के साथ स्टार्ट करते हो, मतलब आप एक रैंडम लाइन के साथ स्टार्ट करते हो। मान लो आपका लाइन ये है शुरू में, दिस इज योर लाइन। अब ऑब्वियसली ये लाइन, मतलब इस लाइन के इस तरफ आप बोल रहे हो एवरीथिंग इज ग्रीन, एज इन सब का प्लेसमेंट हो जाएगा और इस तरफ किसी का भी प्लेसमेंट नहीं होगा। सो यू कैन सी जो आपकी इनिशियल लाइन है वो बोल रही है कि सभी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली दिस लाइन इज परफॉर्मिंग टेरिबली, राइट, ये गलत है। तो अब मुझे क्या करना है, किसी भी तरीके से इस लाइन तक पहुंचना है, राइट।
कैसे पहुंचेंगे? बहुत सिंपल है। परसेप्ट्रॉन ट्रिक क्या बोलता है कि आपको एक लूप चलाना होता है, यू रन अ लूप। जनरली आप ये लूप 1000 टाइम चलाते हो, बट आप ज्यादा कम भी कर सकते हो। मान लो आप 1000 टाइम लूप चला रहे हो, हर बार लूप के अंदर आप क्या करते हो, आप एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करते हो, एक रैंडम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो। यू सेलेक्ट अ रैंडम स्टूडेंट, ठीक है, लेट्स से दिस इज द रैंडम स्टूडेंट। आपने रैंडमली इसको सेलेक्ट किया। अब हम इस पॉइंट से पूछेंगे कि तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से ये लाइन सही जगह पर है या गलत जगह पे है। अब सोच के देखो, मेरा लाइन बोल रहा है कि इस तरफ के सारे पॉइंट्स ग्रीन है, मतलब ये सारे पॉइंट्स ग्रीन है, और हमने इस पॉइंट से जब पूछा तो ये भी ग्रीन निकला, तो डोंट यू थिंक ये ग्रीन पॉइंट इस लाइन के सही तरफ है, राइट? मतलब ग्रीन वाले रीजन की तरफ ही ग्रीन पॉइंट है, तो ये बोलेगा नहीं नहीं भैया मैं तो सही जगह पर हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लाइन से, जैसी लाइन है वैसी रहने दो। तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप इस पॉइंट से पूछोगे और ये बोलेगा सब कुछ ठीक है, तो आप इस एबीसी में कोई चेंजेस नहीं करोगे, मतलब इस लाइन को वैसा का वैसा ही रहने दोगे, फिर अगली बार लूप चलेगा। अब आपने ये वाले पॉइंट को रैंडमली उठाया, ये वाले पॉइंट को, तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि भाई मुझे तो प्रॉब्लम है, मेरे को बोला जा रहा है कि मैं ग्रीन हूं बट मैं एक्चुअली ब्लू हूं, क्योंकि ये पूरा रीजन, दिस एंटायर रीजन इज ग्रीन रीजन, और ये ब्लू पॉइंट ग्रीन रीजन में है, मतलब मिसक्लासिफिकेशन हुआ, मेरा ये लाइन गलत बता रहा है इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो प्रॉब्लम है, मुझे ग्रीन बोला जा रहा है बट मैं हूं ब्लू। तो हम उससे पूछेंगे तो क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये लाइन, ये ब्लू पॉइंट बोलेगा इस लाइन को कि तुम थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाओ, थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाओ। तो आप क्या करोगे, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लोगे, आप ए बी और सी में इस तरीके से चेंजेस करोगे कि ये लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये जो ब्लू पॉइंट है ये सही जगह पे आ गया, ये जो ब्लू पॉइंट है अब ये सही जगह पे आ गया, ठीक है। अब हम फिर से अगले साइकिल में जाएंगे, अब हमने इसको उठाया, ये बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो सही हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर आपने इस वाले पॉइंट से पूछा, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, तो इसने बोला नहीं नहीं मुझे तो परेशानी है, लाइन को मेरी तरफ लेके आओ, मुझे ब्लू रीजन में लेके जाओ। तो आप लाइन को इस तरीके से चेंज करोगे, ए बी और सी को इस तरीके से चेंज करोगे कि आपका नया लाइन कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है, मूव कर लिया आपने। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, ए बी और सी में क्या चेंजेस कर रहे हो, ये थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे, पहले एक बार कोर आइडिया ले लो। उसके बाद हमने फिर से इस पॉइंट से पूछा, नेचुरली ये भी बोलेगा कि कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। फिर मैंने इस पॉइंट से पूछा, ये बोलता है भैया मुझे तो परेशानी है इस वाले लाइन से, इसको घुमा के मेरे पास लेके आओ। आपने फिर इसको इस पास लेके आए और आप ये लाइन पे पहुंच गए, राइट? सो दैट इज व्हाट यू डू इन परसेप्ट्रॉन ट्रिक। आप एक लूप चलाते हो, रैंडमली पॉइंट्स को उठाते हो, उससे पूछते हो तुम सही से क्लासिफाई हुए हो या नहीं हुए हो। अगर तुम सही से क्लासिफाई हुए हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर तुम गलत से क्लासिफाई हुए हो तो मैं तुम्हारी तरफ लाइन को लेके आऊंगा, ठीक है। अब ये लाइन को तुम्हारी तरफ कैसे लेके आना है ये हम समझेंगे, बट दैट इज द कोर आइडिया। और ये लूप कब तक चलता है, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप इसको 1000 बार चलाओ, जनरली आपको 1000 बार में सही रिजल्ट मिल जाता है, या फिर आप 1000 में नहीं मिल रहा तो 10,000 कर दो, आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर आप सेकेंड ऑप्शन है, आप चला दो ये लूप टिल वाइल कन्वर्जेंस। आप ये चेक करो हमेशा, हर लूप के साइकिल के बाद आप चेक करो कि कितने पॉइंट्स मिसक्लासिफाइड है, हर लूप में, हर साइकिल में एक बार चेक करो कि कितने पॉइंट्स मिसक्लासिफाइड है। जब तक नंबर ऑफ मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स जीरो नहीं होते तब तक आप ये काम करते रहो, जैसे ही जीरो हो जाएगा आपका कन्वर्जेंस हो गया और आपका लूप बंद हो जाएगा। तो दोनों अप्रोचेस लोग यूज करते हैं, इधर दे यूज कन्वर्जेंस या फिर दे यूज नंबर ऑफ ईपॉक्स। बाय द वे इसको ईपॉक्स बोलते हैं, कितनी बार ये लूप चल रहा है इसको हम ईपॉक बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द कोर आइडिया, मैं एक बार समराइज कर रहा हूं। यू स्टार्ट विद अ रैंडम लाइन, ऑब्वियसली वो लाइन का परफॉर्मेंस खराब होगा। आप एक लूप चलाते हो, ठीक है, हर बार लूप में आप रैंडमली एक पॉइंट से पूछते हो कि तुम सही से क्लासिफाई हुए या नहीं। अगर सही से क्लासिफाई हुआ तो आप कुछ नहीं करोगे, अगर गलत से क्लासिफाई हुआ तो आप लाइन को उस पॉइंट की तरफ मूव करते हो। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है मूव करने का, ये कैसे होता है ये हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, बट आप लाइन को पॉइंट की तरफ लेके जाते हो, और ऐसा आप तब तक करते हो जब तक कन्वर्जेंस नहीं होता। कन्वर्जेंस कैसे डिफाइन हो रहा है कि आपका कोई भी पॉइंट मिसक्लासिफाइड नहीं है, दैट इज कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस अगर पहुंच गया तो आप अपना लूप रोक देते हो और आपका काम हो गया, एंड दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। लाइक इतना सिंपल है ये, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे
कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, मतलब अगर मुझे पॉइंट की तरफ लेके जाना है अपनी लाइन को, मैं कैसे ले जा सकता हूँ, ये हम लोग नेक्स्ट। सो गाइज, वो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करने के पहले मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। सो अगर आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि ये हमारी लाइन है, और इस लाइन में मैंने विदाउट ज्यादा डिस्कशन किए ये बोल दिया कि इसके ऊपर का पूरा रीजन पॉजिटिव रीजन है, या एज इन ग्रीन रीजन है, और नीचे का पूरा रीजन इज ब्लू रीजन। ठीक है, बट मुझे कैसे पता चला, मतलब अगर कल को ये लाइन ऐसी ना हो करके ये लाइन अगर ऐसी हो, तो फिर कौन सा रीजन ग्रीन होगा और कौन सा रीजन ब्लू होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। सो हम अभी पहले सीखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव रीजन एंड द नेगेटिव रीजन। ठीक है, सो इसके लिए मैं एक टूल यूज कर रहा हूँ, डेस्मोस। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट, कैलकुलेटर है बेसिकली ये। सो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, 2x+3y+5=0। अब मुझे पता करना है कि इसका पॉजिटिव रीजन कौन सा है। सी क्लियरली आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इस लाइन के ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव रीजन होगा, और वो कैसे निकलेगा, अगर आप ये लिखो 2x+3y+5>0। नाउ सी, ये जो पूरा रीजन है ब्लू में जो डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज द पॉजिटिव रीजन। सो कैसे पता चलता है, आपको क्या करना होता है, आपको मान लो आपके पास कोई भी पॉइंट है और आपको पता करना है, लेट्स से आपके पास कोई भी पॉइंट है आपके पास, और आपको पता करना है कि ये पॉइंट इस लाइन के पॉजिटिव साइड में पड़ रहा है या नेगेटिव साइड में पड़ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन का इक्वेशन पता है, AX+BY+C=0, और मान लो आपका ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स X1 और Y1 है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस लाइन में इन पॉइंट्स को फिट कर दोगे। सो आपका ये वैल्यू हो जाएगा AX1+BY1+C। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव रीजन में है। अगर इसका वैल्यू लेस देन जीरो आता है, तो मतलब नेगेटिव रीजन में है, और अगर इसका वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से और दिखा देता हूँ। सिमिलरली अगर आप 2x+3y+5> करो, तो ये जो ग्रीन रीजन है दिस इज द नेगेटिव रीजन। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नेगेटिव रीजन में आ रहा है। ठीक है, एक और लाइन हम लोग देखते हैं जो कि ऐसा है, दिस इज द लाइन। इसमें अगर आपको पता करना है पॉजिटिव रीजन कौन सा होगा, तो आप फिर से सेम काम करोगे, आप लिखोगे -2x+3y -5> 0। जो ऊपर वाला रीजन है वो फिर से पॉजिटिव रीजन है, और अगर आपको नेगेटिव रीजन देखना है, तो फिर से आप लिखोगे -2x+3y -5> 0। और ये जो रेड रीजन है ये आपका पॉजिटिव, आई एम सॉरी, नेगेटिव रीजन है। इस रीजन में कोई भी पॉइंट नेगेटिव साइड में आके गिरेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पूरा चीज समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लाइन को मूव कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। सो नाउ गाइस, लेट्स डिस्कस कि हम एक लाइन को इस टू डायमेंशनल स्पेस में कैसे मूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो मूवमेंट आता है वो ए बी और सी में चेंजेस करने से ही आता है, और तीनों में चेंजेस करने से तीन अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस आप कर पाते हो। लेट मी शो यू। सो अगर आप सी में चेंजेस करते हो, सी को अगर आप बढ़ाते घटाते हो, तो आपका लाइन पैरेलली ऊपर या नीचे होता है। अगर आप सी को बढ़ाओगे तो ये लाइन मिलेगा, अगर आप सी को घटाओगे तो पैरेलली आपको ये लाइन मिलेगा। मतलब सी में चेंजेस करने पे ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अगर आप ए में चेंजेस करो, तो ए में चेंजेस करने पे आप इस एक्सिस पे रोटेशन करते हो, मतलब आपका लाइन या तो ऐसा जा सकता है या फिर आपका लाइन ऐसा जा सकता है। ठीक है, और सिमिलरली बी में ट्रांसफॉर्मेशन करने पे आप इस पॉइंट के अराउंड रोटेशन करते हो, या तो आपका लाइन ऐसा हो जाएगा या फिर आपका लाइन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब ये जो तीनों कोफिशियंट्स हैं, ए बी और सी, इन तीनों का एक इम्पैक्ट होता है आपके लाइन के ऊपर। ये मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। सो अगेन आई विल गो टू डेस्मॉस। ये मेरी लाइन है, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप सी में चेंजेस करोगे तो क्या होगा। दो चेंजेस करेंगे, सी को बढ़ाएंगे और सी को घटाएंगे। सो पहला चेंज सी को बढ़ाने से, सो 2x+3y+ बढ़ा रहे हैं, सी को बढ़ा रहे हैं और 10 कर रहे हैं, इक्वल टू 0।
आपकी लाइन नीचे आ गई, शायद मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, सो इग्नोर इट, जो ये है ये सही है। और उसके बाद अगर आप इसको घटाते हो, अगर आप ये करते हो 2x + 3y + 0 = 0, तो ये पर्पल लाइन ऊपर की तरफ चली गई। तो जब आप सी को घटा रहे हो तो आप ऊपर जा रहे हो, और जब आप बढ़ा रहे हो तो नीचे जा रहे हो, ठीक है? ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ लेट्स सी ये ए वाले कोफिशियंट में क्या होता है, एक्स के साथ जो कोफिशियंट है। सो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल जहां पे हम ए को बढ़ा रहे हैं। सो लेट्स से 4x + 3y + 5 = 0, एंड यू कैन सी इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही लाइन, वहां पे आपने रोटेशन लिया, ठीक है? अगर आप घटा दो, लेट्स से 2x के बदले सिर्फ x कर दो और बाकी सब कुछ को सेम रखो, तो ये देखो गाइस, ये वाला जो रेड लाइन है, दिस इज द रेड लाइन, ये वाला रेड लाइन ये है जब आपने घटाया। सो घटाने से नीचे की तरफ रोटेशन लिया और बढ़ाने से ऊपर की तरफ रोटेशन लिया, ठीक है? अब जल्दी से देखते हैं वाई वाले टर्म पे। सो अगर हम वाई वाले टर्म पे जाएं तो सब कुछ मैं सेम रख रहा हूं, एक्स में वाई को बढ़ा रहा हूं, 6y + 5 = 0। सी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये रोटेशन हुआ, ठीक है? और अगर मैं घटा दूं वाई को, सो अगर मैं लिखूं 2x + y + 5 = 0, तो ये रोटेशन हो रहा है। सो अगर आप इंडिविजुअली इन तीनों चीजों को अप्लाई करो तो तीन अलग अलग टाइप के इफेक्ट आते हैं, अगर आप तीनों को साथ में यूज करो तो एक कॉम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो मैं यही आपको बता रहा था कि जब आपका पॉइंट गलत क्लासिफाई होगा, तो जब मैंने बोला कि वो अपनी तरफ बुलाएगा लाइन को, तो उसका यही मतलब था कि हम ए बी और सी में इस तरह से चेंजेस करेंगे कि लाइन पॉइंट की तरफ मूव कर जाएगा। अब वो क्या स्पेसिफिक चेंजेस होंगे हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। सो नाउ गाइज, हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशंस क्या करते हैं हमारे लाइन के साथ। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, ठीक है? सो मैंने एक छोटा डेटा सेट लिया है जिसमें सिर्फ चार पॉइंट्स हैं, दो ग्रीन दो ब्लू, और ये मेरा रेड लाइन है, और इसके इस तरफ ग्रीन रीजन है और इसके इस तरफ ब्लू रीजन है। सो यू कैन सी इस पॉइंट पे दो पॉइंट्स हैं जो मिसक्लासिफाइड है। पहला पॉइंट तो ये है क्योंकि ये ब्लू पॉइंट है ग्रीन रीजन में, मिसक्लासिफाइड है, और दूसरा ये है ग्रीन पॉइंट ब्लू रीजन में, ठीक है? तो ये भी मिसक्लासिफाइड है। अब देखो होगा क्या कि अगर आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करो, तो ये पॉइंट सिंस सही जगह पर है, ये हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने को नहीं बोलेगा। एंड सेम गोज विद दिस पॉइंट, सिंस ये भी सही रीजन में है, यहाँ पे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हमें इन दोनों पॉइंट्स के केस में करना पड़ेगा। सो पहले हम इसका केस देखते हैं। सो इसके केस में मुझे इस लाइन को इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में, ठीक है? मान लो इस लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y + 5 = 0, और मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5। अब अगर आपको इस लाइन को इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो परसेप्ट्रॉन ट्रिक क्या बोलता है कि आप इस कोऑर्डिनेट में लास्ट में एक 5, एक 1 ऐड कर दोगे, लाइक दिस। और फिर आप क्या करोगे, इस लाइन के तीनों कोऑर्डिनेट्स को लिखोगे 2, 3, 5, और उसमें से ये नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 4, 5, 1, और आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -2, -2 और 4, ठीक है? आई गेस आई एम करेक्ट, या और इसके आगे आप एक्स लगा दोगे, यहाँ पे वाई लगा दोगे, और यहाँ पे प्लस लगा दोगे = 0। ये आपका नया लाइन है। सो अगर आप इसको प्लॉट करके देखोगे तो मोस्ट लाइकली ये लाइन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा कि इस पॉइंट को नेगेटिव में ले जाएगा। जैसे अभी ये पॉजिटिव रीजन में है, इस लाइन के लिए ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली नेगेटिव रीजन में आ जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं इस पॉइंट का। इस पॉइंट का मान लो कोऑर्डिनेट्स है 1, 3, मान लेते हैं, पक्का नहीं पता मुझे। अब जब आपको लाइन को इस डायरेक्शन में मूव करना होता है, तो भी आप सेम काम करते हो, पहले तो इस कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करोगे 1, 3, 1,
और फिर से आप कोऑर्डिनेट्स को लिखोगे 2, 3, 5, ये हमारी जो लाइन है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने लिखा, कोऑर्डिनेट्स नहीं कोफिशिएंट्स को लिखा, और फिर मैंने 1, 3, 1 को यहाँ पे लिखा, बट इस बार आप प्लस करते हो। हमेशा याद रखना जब आपको लाइन को नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है, नेगेटिव रीजन की तरफ मूव करना है, तो आप प्लस करोगे, और जब आपको पॉजिटिव रीजन की तरफ मूव करना है तो आप माइनस करोगे। ठीक है, प्लस करने पे ये आ जाएगा 3x + 6y + 6 = 0। ये मेरी नई लाइन हो जाएगी, और अगर आप इस लाइन को प्लॉट करोगे तो यू वुड सी कि अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन के पॉजिटिव रीजन में होगा। ठीक है, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको डेस्मोस पे दिखाता हूं। सो यहां पर देखो, मेरे पास ये लाइन है 2x + 3y + 5, और मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं 5, 2 और -3, 2। अब मान लो कि ये एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट था और ये पॉजिटिव रीजन में है। अभी मुझे इसको क्या करना है, इस लाइन को ऐसे चेंज करना है कि ये नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव रीजन में चला जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 5, 2 और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहां से। सो मैंने वही किया, पहले मैंने 2x में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो -3 आ गया, फिर मैंने 2 - 3y किया तो यहाँ पे 1 आ गया, और 1 - 5 किया तो 4 आ गया। ये मेरी लाइन थी, और ये देखो गाइस, अगर आप पहली लाइन को पकड़ो, अगर आप इस लाइन को पकड़ो तो इस लाइन के लिए ये पॉइंट पॉजिटिव रीजन में था, बट अगर आप इस लाइन को पकड़ो, मैं इस लाइन को ऑफ कर रहा हूं, तो इस लाइन के लिए ये वाला पॉइंट नेगेटिव रीजन में है। आई कैन एक्चुअली शो यू दिस, आई विल जस्ट कॉपी दिस और मैं लिखूंगा <0, and you can see ये पॉइंट अब नेगेटिव रीजन में चला गया। ठीक है, अब ये सेम डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर। मान लो ये हमारी ओरिजिनल लाइन थी और ये हमारा पॉइंट था। अब ऐसा मान लो कि ये पॉइंट एक पॉजिटिव पॉइंट है बट ये नेगेटिव रीजन में फंसा हुआ है। सो मुझे अब इस लाइन के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है जिससे ये पॉजिटिव रीजन में चला जाए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसके आगे एक 1 लगा के हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो -3 को जब आप ऐड करोगे 2 से तो आपको -1 मिलेगा, -2 को जब आप ऐड करोगे 3y से तो आपको +1 मिलेगा, और जब आप 1 को ऐड करोगे 5 में तो आपको 6 मिलेगा। और इसको मैंने जब रन किया तो ये देखो गाइस, ये लाइन है वो, अगर मैं इसको हटा दूं तो अब ये जो पॉइंट है इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव रीजन में है। अगेन आई कैन शो दिस, सो आई विल जस्ट कॉपी, आई विल पेस्ट, और यहां पे मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन, और इसको शो कर देंगे, एंड यू कैन सी अब ये पॉजिटिव रीजन में है। सो दैट इज हाउ ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस इन परसेप्ट्रॉन ट्रिक। आप ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, मैं एक बार समराइज कर रहा हूं। अगर एक नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव रीजन में है तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स में लास्ट में 1 लगा करके लाइन के कोफिशिएंट से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और अगर आपका पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव रीजन में है तो आप फिर से कोऑर्डिनेट्स के आगे एक 1 लगा करके इस बार आप ऐड करोगे, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब एक लास्ट चीज, मशीन लर्निंग में कभी भी आप इस तरह के बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस एक सिंगल स्टेप में अप्लाई नहीं करते। जैसे पहले मेरा लाइन ये था और उसके बाद सीधे मेरा लाइन ये बन गया, मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आप इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी अप्लाई नहीं करते। इंस्टेड आप क्या करते हो, आप एक छोटा नंबर लेते हो जिसको हम लर्निंग रेट बोलते हैं, लर्निंग रेट, और ये लर्निंग रेट जनरली होता है 0.01 या फिर कभी कभी 0.1 होता है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। अब आप क्या करते हो, जब आप ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आप डायरेक्टली 1, 3 और 1 से सब्ट्रैक्ट ना करके आप 0.01, 0.03 और 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे। सो बेसिकली आपने कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा और उसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सब्ट्रैक्ट किया। सो अगर मैं फॉर्मूला लिख के आपको बताऊं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा कि आपके जो नए कोफिशियंट्स हैं वो निकलेंगे कैसे, पुराने कोफिशियंट माइनस लर्निंग रेट टाइम्स आपका जो भी कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, सो पहले आपको सारे कोऑर्डिनेट्स को लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करना है और फिर पुराने वाले कोफिशिएंट से सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपको नए कोफिशिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको परसेप्ट्रॉन ट्रिक में ये पूरा ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपको एक एल्गोरिदम लिख के बताता हूं
जिससे आपको देख करके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या करना है सो दैट हम उसको कोड में कन्वर्ट कर पाए। चलो गाइस, फिर हम लोग एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं और बेसिकली परसेप्ट्रॉन ट्रिक को कैसे कोड करना है उसके लिए हम एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं और फिर हम उसको कोड करेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिदम लिखने के पहले मुझे थोड़ा सा नोटेशन वगैरह इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसकी वजह से फिर कोडिंग इजी हो जाएगा। सो पहला नोटेशन ये है कि अभी तक मैं मेरे लाइन को इस तरीके से लिख रहा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब मान लो हमारा डेटा अगर ये है तो मैं एक्चुअली इस लाइन को रादर देन राइटिंग लाइक दिस आई वुड राइट इट लाइक दिस, डब्लू नॉट प्लस डब्लू वन एक्स वन प्लस डब्लू टू एक्स टू इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे डब्लू नॉट हो गया सी, डब्लू वन हो गया ए और डब्लू टू हो गया बी, ठीक है। और अगर यहाँ का लॉजिक पकड़े तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y, ठीक है, बेसिकली प्रेडिक्शन। सो ये फॉर्म में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करूंगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या है, मान लो कि मैं यहां पर एक और कॉलम ऐड कर रहा हूं, ठीक है, और उस कॉलम में मैं क्या कर रहा हूं, हर रो के आगे वन लगा रहा हूं, हर रो के आगे वन लगा रहा हूं और इस कॉलम को मैं x0 बोल रहा हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं फिर इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को आई कैन राइट इट लाइक दिस, डब्लू नॉट एक्स नॉट प्लस डब्लू वन एक्स वन प्लस डब्लू टू एक्स टू इक्वल टू जीरो। जहां पे एक्स नॉट क्या है, इट्स बेसिकली दिस कॉलम जहां पे हमेशा वैल्यू वन रहेगा। सो एक्स नॉट को आप वन से रिप्लेस कर दो तो भी सेम बात है, जैसे आप एक्स नॉट को वन से रिप्लेस करोगे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना चाहता हूं, आई इज इक्वल टू जीरो से लेके टू डब्ल्यू आई एक्स आई इक्वल टू जीरो। अब ये जनरल इक्वेशन हो गया हमारी लाइन का और ये आप कितने भी और कॉलम्स ऐड करते जाओ ये इक्वेशन आपका काम करता जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ये मेरा मॉडल है, ठीक है, जब मैंने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया, सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया तो ये मेरा मॉडल निकला, दिस इज द मॉडल डब्ल्यू आई एक्स आई इक्वल टू जीरो। यहां पे आई इज इक्वल टू जीरो से लेके टू तक है हम लोग, तो हमारे पास डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू इन तीनों का वैल्यू है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यहां पे ये प्रिडिक्शन कैसे करेगा, ये जो मॉडल है ये प्रिडिक्शन कैसे करेगा। बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, आप कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहते हो, जैसे कि लेट्स से आप इस पॉइंट के ऊपर प्रिडिक्शन करना चाहते हो, इस पॉइंट के ऊपर इस स्टूडेंट के बारे में प्रिडिक्शन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये लिखोगे, आप लिखोगे डब्लू नॉट, इनफैक्ट आई विल चेंज द पेन, यू वुड राइट डब्लू नॉट मल्टीप्लाइड बाय इस स्टूडेंट का एक्स नॉट का वैल्यू वन प्लस डब्लू वन टाइम्स इस स्टूडेंट के सीजीपीए का वैल्यू 7.5 प्लस W2 मल्टीप्लाइड बाय इस स्टूडेंट का IQ का वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास W0 का वैल्यू है, W1 का वैल्यू है, W2 का भी वैल्यू है क्योंकि हमारा मॉडल बन चुका है, तो ये नंबर कुछ एक नंबर आएगा, राइट। अब अगर वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर लेस देन जीरो आएगा तो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बेसिकली अपने किसी भी एक स्टूडेंट का CGPA IQ लेना है और उसके आगे वन लगा देना है और उसको मेरे कोफिशियंट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है। अगर आप ध्यान से समझो इस चीज को तो ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब अगर आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, W0, W1, W2 और इसको आप लिख सकते हो X0, X1, X2। जब आप ये डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज मिलेगी, W0 X0 W1 X1 प्लस W2 X2। अब ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो प्रिडिक्शन वन होगा, अगर नेगेटिव है तो प्रिडिक्शन जीरो होगा। दैट इज हाउ द एंटायर प्रिडिक्शन वाला चीज इज वर्किंग, ठीक है। सो ये पूरी चीज मैंने इसलिए समझाई क्योंकि अभी जो हम एल्गोरिदम लिखेंगे उसमें आपको ये समझने में ईजी पड़ेगा। ध्यान से देखो, एल्गोरिदम बहुत सिंपल है। एल्गोरिदम ये है कि आप एक epoch value decide करोगे, you will decide a epoch value, generally
थाउजेंड रहता है, और हम एक लर्निंग रेट डिसाइड करेंगे ईटा 0.01. फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ ईपॉक्स, मतलब ये लूप 1000 बार चलेगा, ठीक है. अब इस लूप के अंदर आई विल रैंडमली सेलेक्ट अ पॉइंट, रैंडमली सेलेक्ट अ पॉइंट और स्टूडेंट. मेरे ट्रेनिंग डेटा में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से किसी को भी रैंडमली मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और फिर आई विल चेक इफ. एक और चीज मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ऊपर जा करके, मैं वापस आता हूं एल्गोरिदम पे, मैं एट द एंड होगा क्या कि ये मेरा मॉडल है और इसके दोनों तरफ पॉइंट्स होंगे इस तरीके से, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट हो गया, ठीक है. तो अब इस मॉडल के हिसाब से ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है ये पॉजिटिव रीजन है, ठीक है. दिस इज पॉजिटिव रीजन, ठीक है. और ये जो पूरा रीजन है, दिस एंटायर रीजन, दिस इज द नेगेटिव रीजन मेरे मॉडल के हिसाब से. दिस इज द नेगेटिव रीजन, ठीक है. सो अगर कोई भी पॉइंट, अब जैसे कि अगर हम इस पॉइंट का बात करें, ये जो स्टूडेंट है इसका एक्चुअली प्लेसमेंट हुआ, तो ये एक्चुअली एक पॉइंट है xi which belongs to the positive region, ठीक है. Whereas अगर मैंने ये लिखा जैसे कि ये स्टूडेंट है, तो ये एक्चुअली एक स्टूडेंट है which belongs to the negative region, ठीक है. अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं. आई एम गोइंग डाउन एंड आई एम राइटिंग दिस. मैंने लूप चलाया, मैंने रैंडमली एक स्टूडेंट को उठाया और मैंने उसके ऊपर एक कंडीशन चेक किया. कंडीशन क्या है कि इफ द स्टूडेंट दैट आई सेलेक्टेड, द रो दैट आई सेलेक्टेड belongs to negative region. ध्यान से सुनना, अगर ये बंदा ऐसा है जिसका actually placement नहीं हुआ था, and जब मैंने model के ऊपर इसका data डाल के ये calculate किया, और ये greater than equal to zero आया, मतलब मेरे model के हिसाब से ये positive है, मतलब इसका प्लेसमेंट होगा. मतलब समझने का ट्राई करना गाइस, हमने एक रैंडमली स्टूडेंट को पिक किया और वो एक्चुअली उसका जो वाई है, जो डेटा में वाई है वो जीरो है, बट जब हमने ये एक्सप्रेशन लगाया डब्ल्यू आई एक्स आई सिग्मा किया और ये नंबर ग्रेटर देन जीरो आया, तो मेरे मॉडल के हिसाब से तो इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होना चाहिए, बट एक्चुअली इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ. मतलब ये एक ऐसा स्टूडेंट है या एक ऐसा पॉइंट है जो कि, अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर पाऊं, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो पॉजिटिव रीजन में है बट वो है नेगेटिव पॉइंट. मतलब ये है एक ऐसा स्टूडेंट जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ बट मेरे मॉडल के हिसाब से प्लेसमेंट हुआ, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो पॉजिटिव रीजन में फंसा हुआ है. तो अब इस तरह के पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने डब्ल्यूज को अपडेट करूंगा, मतलब मैं अपने कोफिशियंट्स को अपडेट करूंगा. क्या फॉर्मूले से, मैं लिखूंगा डब्ल्यू न्यू और ये मैट्रिक्स है W नॉट W वन W टू, ये मैट्रिक्स है, विल बी इक्वल टू W ओल्ड, सेम मैट्रिक्स पुराना वैल्यू, माइनस लर्निंग रेट टाइम्स द X मैट्रिक्स, X नॉट X वन X टू, ठीक है. अब ऑब्वियसली यहां पे सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आई कैन सिंपली राइट एक्स आई, मतलब बेसिकली वो पर्टिकुलर रो, ठीक है. अब एक और केस, इफ द पॉइंट belongs to positive region, मतलब ये एक ऐसा student है जिसका placement हुआ था, and जब आपने sigma i is equal to 1 से 2 wi xi calculate किया, तो ये less than 0 आया, मतलब मेरे model के हिसाब से इसका placement नहीं होना चाहिए. So ये basically एक student है जिसका placement हुआ but मेरा model बोल रहा है इसका placement नहीं होना चाहिए, तो again एक positive point negative region में है. तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, हमारे W वाले मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे, हम हमारे W वाले मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे और हम लिखेंगे W old माइनस
एक्चुअली प्लस हो जाएगा, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम कि अगर आपको नीचे की तरफ लेके आना है लाइन को तो आप प्लस करते हो लर्निंग रेट टाइम्स एक्स आई, एंड दिस इज द एल्गोरिदम गाइस, दिस इज द एल्गोरिदम। आपको बस ये डिटेक्ट करना है कि किस टाइप की गलती है, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव रीजन में या नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव रीजन में, और उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और ऑब्वियसली अगर आपका बाकी के दोनों केसेस अगर ये हैं, एक्स आई बिलोंग्स टू नेगेटिव रीजन और उसका डब्ल्यू आई एक्स आई भी लेस देन जीरो है, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव रीजन में क्लासिफाई हुआ तो सही है। सिमिलरली अगर एक्स आई बिलोंग्स टू पॉजिटिव एंड डब्ल्यू आई एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव रीजन में, तो इन दोनों केसेस में हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों केसेस में चेंजेस करने हैं हमारे वेट्स के अंदर, ठीक है। सो ये हमारा एल्गोरिदम है गाइस। अब हम क्या करेंगे, सिंस यहाँ पर दो कंडीशन हमें चेक करनी पड़ रही हैं, ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन, थोड़ा सा इस कोड को लिखने में डिफिकल्टी होगा, तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद इस पूरे एल्गोरिदम को सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो वो देखते हैं नेक्स्ट। सो गाइज नाउ इफ यू सी, ये हमने एल्गोरिदम बनाया और देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, मतलब ये एल्गोरिदम में आपको पहले तो एक लूप चलाना है, हर बार लूप के अंदर रैंडमली एक रो को सेलेक्ट करना है और फिर चेक करना है उस रो के ऊपर ये दो कंडीशंस, राइट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एल्गोरिदम को सिंप्लीफाई करूंगा, मैं क्या करूंगा, रादर देन राइटिंग टू कंडीशंस आई विल राइट जस्ट वन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन ये होगा कि आपका अपडेट जो आप करोगे अपने कोफिशियंट्स के ऊपर वो आप इस तरीके से निकालोगे, सी रादर देन चेकिंग दीज टू कंडीशंस मैं सिंपली लूप चलाऊंगा फॉर आई इन 1000, हर बार रैंडमली आई विल सेलेक्ट अ स्टूडेंट और हर बार कुछ भी चेक किए बिना मैं ये लॉजिक लगा दूंगा, मैं कोई इफ कंडीशन नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे कोई इफ नहीं, यहाँ पे कोई इफ नहीं, मैं डायरेक्टली ये अपडेट रूल लगाऊंगा। अब ये अपडेट रूल क्यों काम करेगा मैं आपको बताता हूं, एक केस लेते हैं, चार केसेस लेते हैं, वाई आई हैट एंड दिस इज वाई आई माइनस वाई आई हैट। मान लो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट हुआ, हमारे मॉडल ने भी बोला उसका प्लेसमेंट हुआ, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, हमारे मॉडल ने भी बोला उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट हुआ बट मेरे मॉडल ने बोला नहीं हुआ, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ बट मेरे मॉडल ने बोला प्लेसमेंट हुआ, राइट, यही चार केसेस हैं, राइट, यही चार कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं वाई आई माइनस वाई आई हैट निकालूं तो पहले केस में इट विल बी जीरो, दूसरे केस में इट विल बी जीरो, लास्ट केस में सेकेंड लास्ट केस में इट वुड बी वन और सबसे लास्ट केस में इट वुड बी माइनस वन, राइट। अब देखते हैं गाइस, अब मानो पहला केस उठाते हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट हुआ और मेरे मॉडल ने भी बोला उसका प्लेसमेंट हुआ, मतलब हमने जो रैंडमली स्टूडेंट को चूज किया वो एक ऐसा स्टूडेंट निकला जिसका प्लेसमेंट हुआ था और मेरे मॉडल के हिसाब से भी उसका प्लेसमेंट होना चाहिए, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और जैसे ये टर्म जीरो होगा डब्ल्यू एन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड, इसका मतलब जो नई वैल्यूज है कोफिशियंट की वो वही रहेंगी जो पुरानी वैल्यूज है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, राइट। अब एक और केस लेते हैं, अब आपने एक ऐसे स्टूडेंट को रैंडमली उठाया जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था और आपका मॉडल भी बोल रहा है कि प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो आपका वाई आई माइनस वाई आई हैट जीरो होगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और अभी भी डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ, मतलब सारे कोफिशियंट्स का जो नया वैल्यू है वो वही रहेगा जो पुराना वैल्यू है, राइट। तो इसका मतलब जब भी पॉइंट्स सही क्लासिफाइड हुए हैं हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे वेट में, ठीक है। अब एक ऐसा केस लेते हैं जहां पे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था बट मेरे मॉडल ने बोला प्लेसमेंट नहीं हुआ, अगर आप देखो तो ये कैसा स्टूडेंट होगा, इसका प्लेसमेंट हुआ था मतलब ये पॉजिटिव बंदा है नेगेटिव रीजन में, मतलब ये स्टूडेंट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है, पॉजिटिव रीजन में है ये बंदा एक्चुअली डेटा में बट इसका ये लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब मेरा मॉडल गलत क्लासिफाई कर रहा है। तो अब अगर हम यहां पे जाएं तो क्या होगा, ये पूरा टर्म रिप्लेस हो जाएगा विथ वन, ठीक है, और ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ प्लस लर्निंग रेट टाइम्स एक्स आई विच इज एग्जैक्टली दिस,
ठीक है। अब एक लास्ट केस, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था बट मेरा मॉडल बोल रहा है प्लेसमेंट होगा, मतलब ये बंदा नेगेटिव पॉइंट इन द पॉजिटिव रीजन। अब इस केस में क्या हुआ, वाई आई माइनस वाई आई हैट का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन। उसकी वजह से इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स एक्स आई सी। हम इस स्टूडेंट का बात कर रहे थे जो ऑलरेडी नेगेटिव में था बट मेरे मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव में है, तो उसका अपडेट रूल ये है। तो ये बहुत स्मार्टली हमने क्या किया, रादर देन हैंडलिंग टू डिफरेंट केसेस, मैंने अपने पूरे मॉडल को सिंप्लीफाई कर लिया लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन, हम सिर्फ ये एक सिंगल रूल लगाएंगे। सो जो हमारा अपडेटेड एल्गोरिदम है वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हम कोड करेंगे, हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ epochs, epochs का वैल्यू 1000, सेलेक्ट अ रैंडम स्टूडेंट आई, और हर बार कोफिशियंट्स को अपडेट करेंगे यूजिंग दिस रूल, एंड दैट्स माय कोड। बस मुझे इतना ही कोड लिखना है गाइस, यही कोड हम लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जाते हैं जुपिटर में और इसको कोड करते हैं। सो कोड मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि कोड थोड़ा बड़ा है और टाइप करने में टाइम चला जाएगा। सो आई जस्ट गिव यू अ वॉक थ्रू। सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक डेटा सेट जनरेट किया है। ठीक है, सो जैसे मेक रिग्रेशन होता है साइकिटलर्न में, वैसे ही मेक क्लासिफिकेशन होता है जिसको यूज करके आप क्लासिफिकेशन डेटा सेट्स बना सकते हो। ठीक है, सो ये डेटा सेट मैंने बनाया और मैंने उसको प्लॉट किया। सो प्लॉट करने के बाद दिस इज द डेटा सेट। सो इस डेटा सेट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इट्स अ टू डायमेंशनल डेटा सेट, मतलब इनपुट में देर आर टू कॉलम्स, एक एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे है, और जो टारगेट कॉलम है वो वन या जीरो है, मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। और जितना भी वन है उसको मैंने ग्रीन से इनकोड किया है और जितना भी जीरो है उसको मैंने ब्लू से इनकोड किया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आउटपुट कॉलम है वो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पर ये एक फंक्शन बनाया परसेप्ट्रॉन बोल के, जिसको अगर आप डेटा पास करोगे अपना एक्स और वाई, तो ये आपको पलट करके आपका वेट्स और आपका इंटरसेप्ट आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका लॉजिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे जो एक्स मिला मैंने उस एक्स के आगे वन लगा दिया। सो अगर मैं आपको अभी दिखाऊं इस पॉइंट पे, ये कोड चलाने के बाद, कि आपका एक्स इज समथिंग लाइक दिस, एक्स इज समथिंग लाइक दिस। सो ये फर्स्ट इनपुट कॉलम है, ये सेकेंड इनपुट कॉलम है, और ये जो वाई है ये एक आउटपुट कॉलम है जिसमें वन और जीरो की वैल्यूज है। ठीक है, मैंने ये कोड चलाया। सबसे पहले ये कोड चलाने से क्या हुआ कि जो मेरा एक्स था, जो कि अभी ऐसा दिख रहा था, वो अब ऐसा दिखने लग गया। हर रो के आगे एक वन लगा दिया, ये बायस टर्म के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अगर आपने थ्योरी सही से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आई विल गो डाउन। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने वेट्स बोल करके एक एरे क्रिएट किया जिसका जो शेप है वो एक्स के कॉलम के बराबर है। मतलब जब आपने, अभी आपका एक्स का कॉलम कितना था, टू, जब आपने इनपुट दिया, फिर आपने जैसे ही वन इंसर्ट किया एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया, तो अब एक्स का शेप कितना हो गया, थ्री। तो अब अगर आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाऊं तो इट वुड लुक लाइक दिस। यहां पर एक्स डॉट शेप के बदले अगर मैं थ्री डाल दूं, तो मैंने बेसिकली एक वेट्स एरे क्रिएट किया जिसमें तीनों आइटम्स शुरू में वन है। ठीक है, तो इसमें पहला जो आइटम है ये इंटरसेप्ट वाला टर्म है, एज इन डब्ल्यू नॉट है, ये डब्ल्यू वन है और ये डब्ल्यू टू है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक लर्निंग रेट इनिशियलाइज किया 0.1 से। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने लूप चलाया 1000 टाइम्स, हमारा ईपॉक। ठीक है, हर बार लूप के अंदर मैंने एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट किया 0 से लेके 100 के बीच में। बाय द वे, मेरे एक्स का शेप अगर आप देखो तो इट इज 100,2, 100 रोज हैं, दो कॉलम्स हैं। सो मैंने वही किया, मैंने हर बार लूप के अंदर
एक रैंडम इंटीजर सेलेक्ट किया बिटवीन 0 एंड 100 लाइक दिस, और जो भी ये नंबर आ रहा है उसको मैं डे में स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इट्स बेसिकली कि हमने मतलब ये जे का वैल्यू क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये जे का वैल्यू ये सिग्निफाई कर रहा है कि हम उन 100 स्टूडेंट्स में कौन से स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं। अगर 41 आया तो हम 41st स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वाई हैट प्रिडिक्ट किया, मतलब उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का 41st स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ये मुझे प्रिडिक्ट करना था, ठीक है। सो मैंने कैसे किया ये काम, मैंने निकाला एनपी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस। सो अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले एक्स में मैंने 41st एलिमेंट को निकाला और वेट्स जो मेरा एरे है वो है 1,1,1, ठीक है। और यहाँ पे एक्स 41 में एक्चुअली इस पॉइंट पे सिर्फ दो ही आइटम्स हैं, मतलब सिर्फ दो ही आइटम्स हैं एक्स 41 में। इसमें आगे 1 अगर हमें लगाना होगा तो हमें ये कोड लिखना पड़ेगा अलग से, np डॉट इंसर्ट एक्स 41 कॉमा 0 पे 1 कॉमा एक्सिस इक्वल्स 1। एक्सिस है ही नहीं क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन है, या सो बेसिकली रादर देन एक्स 41 अगर मैं ये चीज डालूं तो अब क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और ये मुझे आंसर मिल रहा है 0.29। सो जो मेरा 41st स्टूडेंट है उसके लिए जब मैं ये डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता करना है इसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। अब आपको अगर लॉजिक पता होगा तो हमारा लॉजिक क्या था, अगर ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो प्लेसमेंट होगा, और लेस देन अगर 0 है तो प्लेसमेंट नहीं होगा। तो मैंने एक स्टेप फंक्शन बना लिया। स्टेप फंक्शन को आप एक नंबर देते हो इनपुट में, वो 1 रिटर्न करता है अगर वो नंबर 0 से ज्यादा है, अदरवाइज 0 रिटर्न करता है। तो अगर मैं इस सेल को एक बार चला लूं तो अगर मैं लिखूं स्टेप 0.294 तो 1 आ रहा है, ठीक है। और यही अगर मैं माइनस दूं तो 0 आ रहा है। सो हुआ क्या कि जे में 41st स्टूडेंट था, हमने उसका प्रिडिक्शन किया कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने वेट्स अपडेट करने का कोड लिखा। वेट्स अपडेट करने का कोड क्या था, वेट्स इज इक्वल टू वेट्स प्लस लर्निंग रेट टाइम्स वाई जे। हमने एक्चुअल डेटा में 41st स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, एक्चुअली नहीं हुआ, तो यहां पे इस टर्म के बदले 0 आ गया, यहां पे वाई हैट के बदले 1 आ गया। सो ये पूरा टर्म -1 हो गया, और फिर आपने एक्स जे से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली जो लॉजिक हमने वहां पे लिखा था सेम टू सेम वो लॉजिक यहां पे लगा दिया, और ऐसा हमने 1000 टाइम्स किया। और 1000 टाइम्स करने के बाद मैंने वेट्स का 0 एज इन इंटरसेप्ट वाला टर्म रिटर्न किया और आगे का सारा टर्म एज इन कोफिशिएंट्स रिटर्न किए, एंड दैट्स माय कोड। बस यही मेरा लॉजिक है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं, और यहां पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, एक्स और वाई पास किया, उसने मुझे पलट के इंटरसेप्ट वैल्यू दिया और कोफिशिएंट वैल्यू दिया, और ये रही वो इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट वैल्यूज। सो ये मेरा W1 है, ये मेरा W2 है, और ये मेरा W0 है, ठीक है। ये मेरा इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे प्लॉट करके आपको दिखाना था, तो मैंने इनसे M और B निकाल लिया। M और B कैसे निकाला, बहुत ही सिंपल है, लेट मी शो यू। तो M और B निकालना बहुत सिंपल है। अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का A, B और C वैल्यू है, तो आप इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में बहुत इजिली ला सकते हो, जहां पे m का वैल्यू होगा माइनस a बाय बी और c का वैल्यू होगा माइनस c बाय बी, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने यही किया। m निकालने के लिए a क्या है, a इज योर फर्स्ट कोफिशियंट, मतलब कोफिशियंट के अंदर देर आर टू टर्म्स, तो a क्या है फर्स्ट वाला टर्म और बी क्या है सेकेंड वाला टर्म, और इंटरसेप्ट के अंदर एक सिंगल टर्म है, तो सी क्या है ये वाला टर्म और बी क्या है फिर से ये सेकेंड वाला टर्म। तो मैंने एग्जैक्टली यही काम यहां पे किया, मैंने निकाल लिया कोफिशियंट का 0 डिवाइडेड बाय कोफिशियंट का 1, और बी के लिए भी मैंने सेम काम किया इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय कोफिशियंट का 1। और एम और बी मिलने के बाद मैंने उस लाइन को प्लॉट किया, और ये देखो गाइस ये रहा वो लाइन।
सो ये मेरा डेटा था और ये रहा वो लाइन जो हमने अभी बनाया यूजिंग परसेप्ट्रॉन ट्रिक। ठीक है, अब मैंने एक और काम किया, मैंने एनिमेशन ड्रॉ किया इस सेम चीज का। सो दिस इज द एनिमेशन। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो अभी पहला ईपॉक, देखो कई कई ईपॉक्स में आपका लाइन मूव नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि उस ईपॉक में जो पॉइंट सेलेक्ट हुआ है वो पॉइंट अग्री कर रहा है लाइन से, वो बोल रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज वाई लाइन मूव नहीं कर रही। देखो अभी लाइन मूव नहीं कर रही है, बट जैसे ही उसको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो मिस क्लासिफाइड है वो उसको अपनी तरफ बुलाएगा और फिर लाइन मूव करेगी। सो यहाँ पे मैंने बस 200 ईपॉक ही लिया है, 1000 ईपॉक नहीं लिया, 200 में मेरा काम हो गया। बट इट डिपेंड्स, आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। सो यू कैन सी कभी कभी बीच में मूव नहीं कर रही है लाइन, क्योंकि अभी जो भी पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं वो सही से क्लासिफाइड है, तो वो लाइन को मूव करने को नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो उसको मूव करने को बोल रहा है। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। आप एक रैंडम लाइन से स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, अगर वो पॉइंट मिस क्लासिफाइड है तो वो उस लाइन को चेंज कर रही है, अगर वो पॉइंट सही से क्लासिफाइड है तो उस लाइन को चेंज नहीं कर रही है, एंड दैट इज वाई कुछ ईपॉक्स में आपका लाइन बिल्कुल वैसे का वैसा ही बैठा हुआ है। ठीक है, यू कैन सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एनिमेशन है ये नोटबुक में आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप इस एनिमेशन को बैठ करके तसल्ली से थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में जो आपने पढ़ा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। आई नो मैंने थोड़े जो क्लिप्स हैं वो पिछले मेरे प्लेलिस्ट से उठाए हैं, बिकॉज 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में जो परसेप्ट्रॉन ट्रिक पढ़ाया था इट वॉज क्वाइट सिमिलर, कुछ ज़्यादा अलग है नहीं। सो जो भी डिफरेंसेज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो से दिखाई देंगे, जब हम लोग लॉस फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं परसेप्ट्रॉन में वो देखेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।